ये 11 साल की बच्ची का कुर्ता है और ये दो तह में है। देखो ये तो है सिंगल और इसको हमने फोल्ड की दिया कर दिया और ये हमारी दो तह हो चुकी। इसकी जो हम लंबाई रखेंगे 37 इंच इसकी लंबाई है। कुर्ता कुर्ती का गला कॉलर वाला बनेगा तो हम इसको 6 इंच पर रख रहे हैं। 13 6 इंच और इसके चेस्ट 7 इंच यानी कि 14। कमर की जो ढाल देते हैं हम बड़ों का तो 7 इंच पर देते हैं लेकिन बच्ची है ये इसका 6 इंच पे और कमर भी उसकी 6 इंच है। यहाँ 4 ये 8 इंच के हैं और यहाँ जो तन्ने होते हैं दामन यानी के वहाँ 8 है सर। अब इसकी कटिंग पार्ट जो हमारा बैक साइड का निकल गया और फ्रंट का मुद्दे हम थोड़े गहरे काटते हैं। इसकी आस्तीन की लंबाई ये आस्तीन हम रख रहे हैं 17 बन के 15 या 16 रहे। ये हो गई कुर्ती की चलो जाओ।
ये 11 साल की बच्ची का ट्राउजर है और इसको फोल्ड किया हुआ है दो दो, एक तरह है इसकी और दो दो पार्ट से कटेगा ये अलग अलग, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। 11 साल की बच्ची का है। 33 इंच इसकी लंबाई है। इसी में से हमारी बेल्ट बनेगी और इसमें से ही हमारी मोहरी मुड़ेगी ऊपर। दो इंच बेल्ट के लिए है। इसकी चौड़ाई जो 8 इंच है और 11 इंच पे इसका आसन है। यहाँ 2 इंच की मोहरी है जो मोहरी मुड़ेगी। और इसे हम सेब पट्टी से ढाल दिया जाएगा। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, हम बैक साइड का काटते हैं। इस टाइम ऐसे अकीरा है ये एक ही, और इसको इस तरह से फोल्ड किया जाएगा क्योंकि बैक साइड का पार्ट जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। 2 इंच कोई नहीं। ये हमारा बैक साइड का कट गया, इसको हम 2 इंच हाथ से लेते हैं। नहीं
तो बहुत।